राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और हमेशा की तरह बिंदास हूँ। और सुबह का समय है, नाश्ता वास्ता हो चुका है, पारी जी जा चुके हैं ऑफिस और बच्चों की आज है छुट्टी, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस से ही बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो और आप सभी को हैप्पी धनतेरस, माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा बनाए रखे, यही मैं दिल से मनाती हूँ। और बस चाय वाय पीने के बाद में मैंने स्टार्ट कर दी है दरवाजे को क्लीन करना था मुझे, तो बाकी तो सारा क्लीनिंग हो चुका है, बस मुझे घर धोना है। और जो दरवाज़ा है ना, वो एक बार मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली आज सीढ़ियों की भी सफाई होनी है। जो स्वीपर दीदी आती है ना, वो सीढ़ियों की आज सफाई करेगी, तो सीढ़ियों की सफाई के साथ साथ दरवाजे की भी मैं सफाई कर ले रही हूँ, ताकि ये क्या ना पानी वानी जो भी गिरे सीढ़ियों पे या बाहर की तरफ में, वो एक बार में ही सारी क्लीनिंग हो जाए। तो बस ये दरवाज़ा मैं क्लीन करूँगी, तब तक मैं स्वीपर दीदी भी बोल कर गई है, बस वो भी आती ही होगी, उसके बाद सीढ़ियों की सफाई शुरू हो जाएगी। बस अब सीढ़ियों की सफाई हो चुकी है और अब मैं घर के अंदर में साबुन से अच्छे से, जो फ्लोर क्लीनिंग का स्क्रॉच बाइट आता ना, उससे मैं अच्छे से साबुन लगा दे रही हूँ, और पीछे पीछे जो मेरी हेल्पर दीदी है वो क्लीन कर देगी। आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक है, मैं सुबह से ही लगी हुई हूँ काम पे। मैंने इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हूँ ना कि मैं डायरेक्ट आपके साथ कन्वर्स नहीं कर पा रही हूँ कैमरा में, तो इस वजह से आई एम रियली वेरी सॉरी। थोड़ा सा ये डिफरेंट व्लॉग है, मैं पूरा व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला था कि मैं डायरेक्टली कैमरा के आगे आकर के इस तरह से कन्वर्स करूँ, कम्युनिकेट करूँ। तो बस अब ये जो पर्दे हैं ना, ये रह रहे हैं, पर्दे का काम मेरा एक्स्ट्रा बढ़ गया। किसका रीज़न ये है कि मेरा जो डोर साइज़ है वो 7 फीट का है, फ्लैट का जनरली यही होता है, और ये जो पर्दे हैं ना, ये मुझे 9 फीट के ही मिल रहे थे मार्केट में, तो इन सबको अब मुझे 2-2 फीट काट करके छोटा करना पड़ेगा। तो ये बस मैं उसमें ही लगी हुई हूँ, सारे पर्दे मैं काट रही हूँ और उसके बाद इनको 2-2 फीट मैंने छोटा कर रही हूँ। तो बस ये जल्दी जल्दी मैं ये काम करूँगी, पर्दे लगाऊँगी, फिर घर को थोड़ा बहुत डेकोरेट करना है, 1-2 मैं पेंटिंग वगैरह मैंने लगानी है मुझे, वो मैं लगाऊँगी। पर्दा सिलाई करते करते बीच में ही मशीन जो है मेरी जाम हो गई थी, और इसकी नीडल जो है ना, उसकी आगे की टिप टूट गई थी, तो उसके वजह से फिर मैंने बीच में इसे छोड़ दिया। 2 रूम के पर्दे हो गए और 1 रूम का पर्दा जो है वो बाकी रह गया था, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट दूसरा काम कर लेते हैं। अपना जजमेंट लगाओ, किसी के ऊपर रिलाय मत करो। ऊपर वाली जगह को लेफ्ट की तरफ करो, ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक अबे उसके कमर दुखने लगेगी झंडू कहीं का। हाँ यहाँ से सही है। हाँ ठीक है, अपने हाइट देख के ऊंची हो। अब ठीक है ठीक है ठीक है।
नहीं, डिस्टेंस दो और डिस्टेंस दो थोड़ा। हाँ तो डिस्टेंस दे के लगाओ, चिपकाओ मत। घर को सजाने के बाद लाइटिंग वगैरह भी सब लग चुकी है घर पे, और उसके बाद आ गए हैं हम मार्केट, और मार्केट से कुछ सामान लेना था। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ थी ना, भयंकर वाली भीड़ थी, इतना रश था हर एक दुकान पे, बहुत भयंकर वाली भीड़ थी। तो हम वापस आज लौट आए, अब कल मॉर्निंग में वापस जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली धनतेरस की भी भीड़ है और लोग दिया वगैरह वो सब भी ले रहे हैं, उसकी भी भीड़ है। तो इस रश में आकर के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम जा रहे हैं वापस। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, बाय बाय। और आप सबको एक बार फिर से हैप्पी धनतेरस।